पीएम मोदी मालदीव से श्रीलंका पहुंचे, जहां कोलंबो के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यहां से मोदी कोलंबो के सेंट एंटनी चर्च पहुंचे और अप्रैल में हुए आत्मघाती सीरियल ब्लास्ट में मारे गए सभी लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरसेना से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इसी दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब 2 महीने पहले ईस्टर के दिन आत्मघाती धमाकों से ये द्विपक्षीय देश दहला गया था, जिसमें 11 भारतीयों समेत 250 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य एकजुटता का स्पष्ट संदेश देना है, ताकि इस दुखद घड़ी में भारत के लोग श्रीलंका के लोगों और सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। श्रीलंका में बम धमाके के बाद किसी विदेशी प्रमुख की यह पहली यात्रा है। ऐसे में द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद से जुड़े मसलों पर भी चर्चाएं हो सकती है।